इसमें देखिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की थी और ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कि चोपता एरिया में, जहाँ से चोपता से और तुंगनाथ के बीच का हमारा ट्रैक है, हम उसे पॉलीथीन फ्री करना चाहते थे। तो इसको लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने बात करी, पुलिस विभाग से बात की है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा एक आदेश आया है, उसमें जो भी व्यक्ति तुंगनाथ ट्रैक पे जाएगा और अगर प्लास्टिक का कोई सामान ले जाएगा, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, कुरकुरे है, प्लास्टिक की बोतल है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी वो नीचे चोपता में जमा करके जाएगा। यदि वो व्यक्ति उस खाली रैपर को या खाली बोतल को वापस वहीं पर जमा करता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी उसे वापस दी जाएगी, और अगर वो जमा नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। और इसमें 300 से लेकर के 500 तक की सिक्योरिटी मनी रखी गई है। तो मुझे लगता है कि इस प्रयास से लोग जब ऊपर जाएंगे तो उन्हें अपने धनराशि बचाने के लिए निश्चित रूप से वो उस पॉलिथीन को, उस बॉटल को, प्लास्टिक की वापस ज़रूर अपने साथ लाएंगे ताकि उनके पैसे वापस मिलें। तो हम लोग इसे प्रयोग के तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस प्रयोग से निश्चित रूप से तुंगनाथ चोपता ट्रैक रूट पर जो गंदगी हम लोग लगातार देखते हैं, जो भी पॉलिथीन प्लास्टिक हम लोग देखते हैं, उस पर अंकुश लगाने में सफलता मिली।